ये कुछ फुटेजेज आपने देखी हैं जो कि यूके की एक यूनिवर्सिटी की फुटेजेज हैं, और ये बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया से हैं, और इनको यूनिवर्सिटी ने जो है वो निकाल दिया। तकरीबन 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको यूके की एक यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया। इसकी रीज़न क्या बनी है आज की इस वीडियो में देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बड़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। अब उस तरह वाला हिसाब नहीं रहा जो पहले हिसाब होता था, अभी चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्ट हो रही हैं। और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन नहीं करके आते, और यूनिवर्सिटी को वो बिल्कुल उन्होंने इग्नोर किया होता है, और सिर्फ उनका जो मेन कंसर्न होता है वो पैसे कमाना होता है, और यूनिवर्सिटी को बिल्कुल साइड पर रख देते हैं। तो अब यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वैसे नहीं रही। जब हम आए थे उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत सारी रिलैक्सेशन देती थी। बेसिकली हुआ क्या कि यूके की मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब आप इसके अंदर आते हैं तो आप अपना इनिशियल डिपॉजिट जो है वो जमा करा के आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स 5,000 पाउंड जमा कराते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 7,000 कराते हैं, कुछ इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 3,000 पाउंड जो है वो जमा कराते हैं। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसकी टोटल फीस तकरीबन 15,000 पाउंड थी, लेकिन इनिशियल डिपॉजिट इसका 3,350 था। जब एक स्टूडेंट 3,350 इनिशियल डिपॉजिट जो है वो पाकिस्तान से पे करेगा, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि आपने यहाँ पहुँच के आपने इनरोलमेंट की फ़ी देनी है। तो जब आप इनरोलमेंट की फ़ीस अपने साथ नहीं लेके आएंगे, तो यहाँ आते साथ आप इनरोलमेंट की फ़ीस जो है वो नहीं दे सकते। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अब इनरोलमेंट की जो है वो फ़ीस मांगना शुरू हो गई हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनरोलमेंट की फ़ीस के अंदर रिलैक्सेशन देती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनरोलमेंट की फ़ीस के अंदर रिलैक्सेशन नहीं देती। तो ये भी एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी थी, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है बाद में मेरे लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए मसला बने, तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा। ये यूनिवर्सिटी का बेसिकली इनिशियल डिपॉजिट 3,000 या 3,500 पाउंड जो है वो इनिशियल डिपॉजिट था, लेकिन यूनिवर्सिटी की टोटल फीस तकरीबन 15,000-16,000 पाउंड थी, जो कि एक साल के अंदर स्टूडेंट ने देनी थी, एक साल से भी कम अरसे के अंदर, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो इनरोलमेंट के टाइम के ऊपर फीस मांगती हैं, और फिर आगे से पहले 6 महीने जो है उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने जो है वो सारी की सारी फीस मांगनी होती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऐसे करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिलैक्सेशन भी देती हैं। अब हुआ कुछ यूं कि ये स्टूडेंट्स अपने साथ 3,350 पाउंड जो है वो दे के आए, और यूनिवर्सिटी ने इनसे इनरोलमेंट की फ़ीस जो है वो मांगना शुरू कर दी। अब इन्होंने इनरोलमेंट के टाइम जो भी यूनिवर्सिटी फ़ीस मांग रही थी उसको बिल्कुल इग्नोर किया, और इन्होंने कहा कि बस कोई इशू वाली बात नहीं है, यूनिवर्सिटी फ़ीस मांग रही है तो यूनिवर्सिटी जाए भाड़ में, तो हमें जो है वो कोई बात नहीं, हम पैसे कमाएंगे तो हम इनको देंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान से अगर आप बहुत ही कम इनिशियल डिपॉजिट दे के आएंगे, तो फिर आप इनरोलमेंट के टाइम पे ज़रूर अपनी फ़ीस लेके आए, अदरवाइज आते साथ जो है वो यहाँ पे आपके लिए जो है वो फ़ीस मैनेज करना है इनरोलमेंट के टाइम के ऊपर सारी देना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने भी उसी तरह किया इनरोलमेंट के टाइम के ऊपर, क्योंकि ये कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं ना ले के आए थे, ना ही इन्होंने यूनिवर्सिटी को कोई फ़ीस दी, तो यूनिवर्सिटी ने इनको थोड़ा बहुत टाइम जो है वो देना शुरू कर दिया। फिर इनको ईमेल की, ये कुछ ईमेल्स आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही होंगी, कुछ ईमेल्स की कि इस डेट तक जो है वो आप फीस जमा कराएं, इस डेट तक फीस जमा कराएं, लेकिन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की उस ईमेल को फुल इग्नोर किया और किसी किस्म की जो है वो फ़ीस नहीं जमा कराई। तो यूनिवर्सिटी ने एट द टाइम इनको ईमेल कर दी कि ये लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट तक अगर आप फीस जमा करा सकते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं जमा कराएंगे तो फिर आप जिम्मेदार जो है वो खुद होंगे। और मोस्टली स्टूडेंट्स ने सारी की सारी फ़ीस नहीं जमा कराई, कुछ स्टूडेंट्स ने जिस तरह फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के 7,000 पाउंड आपकी फ़ीस रहती थी, तो स्टूडेंट्स ने 7,000 की बजाय 3,000-2,000 पाउंड फ़ीस जमा करा दी, और बाकी जो है वो फ़ीस उन्होंने बिल्कुल भी नहीं जमा कराई। तो उन्होंने देखा कि उस डेट के बाद यूनिवर्सिटी ने उनको एक ईमेल की कि भाई हमने अब आपको बिल्कुल अपनी तरफ से निकाल दिया, आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया, और होम ऑफिस की तरफ से भी ईमेल आ गई कि आप 60 डेज के अंदर अंदर आप जो है वो ये कंट्री लीव कर जाएं या कोई और स्पॉन्सर ढूंढें, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर है, तो वो तो अपना वीज़ा जो है वो किसी और वीज़े के अंदर स्विच भी नहीं कर सकते जब तक वो डिग्री कम्प्लीट ना करें। तो अब उन बेचारों के साथ मसला ये है कि ना को वो वर्क वीज़ा ले सकते हैं और ना ही वो जो है वो किसी और किस्म का वीज़ा ले सकते हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट में ही रह सकते हैं, कोई और यूनिवर्सिटी उनको देखनी पड़ेगी। अब बात ले दे के ये है कि भाई जब हम आए थे उसे यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस में बहुत रिलैक्सेशन देती थी, यानी मैं 5,000 पाउंड दे के आया था और 8,000 फ़ीस मेरी रहती थी,
तो ये फिर भी कदरे मैनेजेबल थी। और मैंने क्योंकि जो है वो अपने साथ भी 2-3 हज़ार पाउंड लेके आया था, तो मैं कुछ ना कुछ मैंने मैनेज कर ली थी। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो मिडिल क्लास से होते हैं या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, जो अपना सारा कुछ बेच के आते हैं, कंसल्टेंट उनको ये बताता है कि यार 2-3 हज़ार पाउंड इनिशियल डिपॉजिट है, तो आप जो है वो चले जाएंगे, बाकी फीस तो उधर जाके निकल ही आती है। भाई बाकी फीस निकल आती है, लेकिन फीस इतनी हो जो आपका अकल भी काम करेगा, यार इतनी निकल आएगी। अगर आपने 2-3 हज़ार पाउंड इनिशियल डिपॉजिट दिया और टोटल फीस आपकी 15-16 हज़ार है, यानी 12-13 हज़ार पाउंड, तो मैनेज करना इंतहाई इम्पॉसिबल सी बात है। कोई 7 हज़ार 6 हज़ार 8 हज़ार तक भी मैनेज हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर फीस आपकी रहती होगी तो वो आपके लिए मैनेजेबल नहीं है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हों या आप यूनिवर्सिटी में, तो उसकी जो फ़ी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको बड़े ध्यान से देखें। अब फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है, यानी ओवरऑल मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी वेरी करती है वो तकरीबन 10 हज़ार से लेके 15 हज़ार के दरमियान दरमियान में वेरी करती हैं। अब अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप आते हैं तो वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी की 15 हज़ार पाउंड फ़ी है, तो वो 2 हज़ार 3 हज़ार की स्कॉलरशिप देगी, कुछ यूनिवर्सिटी 1000 पाउंड की स्कॉलरशिप देगी। तो मोस्टली जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसी ही यूनिवर्सिटी के अंदर आना है जिसकी फ़ी 15 हज़ार पाउंड से ज़्यादा किसी सूरत भी ना हो आफ्टर स्कॉलरशिप, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर आप जो है वो मैनेज नहीं कर सकेंगे कभी भी फीस। तो अब यूनिवर्सिटीज़ उस तरह रिलैक्स भी नहीं करती जिस तरह पहले जो है वो यूनिवर्सिटीज़ रिलैक्स करती थी कि फ़ीस ना भी दो, कोई मसला नहीं है, बाद में दे दो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे हमारे टाइम के ऊपर जिनकी डिग्री भी कम्प्लीट हो गई तो अभी भी उनकी फ़ीस जो है वो रहती होती थी। उस टाइम पर यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही रिलैक्स थी, उनको इतना जो है वो कोई ऐसा इशू नहीं था। फिर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने रखनी है कि वो कम से कम 50% जो है वो आपने फ़ीस लाजमी दे के आनी है। अगर इससे आप कम दे के आएंगे तो फिर आपके लिए जो है वो चीज़ें मसला हो जाएगा। और मोस्टली कोशिश करें ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देखें जिनकी इनरोलमेंट के ऊपर फ़ी कोई भी ना हो। अगर किसी यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट के ऊपर फ़ी है, मेक श्योर करें कि वो फ़ीस इतनी हो कि आप मैनेज कर सकें या अपने साथ लेके आ सकें। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो इनरोलमेंट के ऊपर फ़ी उन्होंने उनके शेड्यूल में तो होती है लेकिन वो मांगती नहीं है, जिनमें एक यूनिवर्सिटी हेडफोर्ड शायर भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्ड शायर, बेसिकली इनरोलमेंट के ऊपर उसकी फ़ी है लेकिन वो स्टूडेंट्स को तंग नहीं करती, क्योंकि मैं खुद भी उसी से पढ़ा हूँ। हमारे टाइम के ऊपर भी इनरोलमेंट की फ़ीस थी लेकिन किसी ने भी इनरोलमेंट की फ़ी जमा नहीं कराई थी, तो यूनिवर्सिटी ने उस तरह तंग नहीं किया था, वो टाइम देती रही, एक्सटेंशन देती रही। अभी रिसेंटली मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो हेडफोर्ड शायर में आए हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी ने इनरोलमेंट की टाइम के ऊपर तंग नहीं किया। तो बेसिकली ये बड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी इनरोलमेंट की फ़ी है तो वो कम से कम इतनी हो कि स्टूडेंट जो है वो कम यूनिवर्सिटी इस किस्म की हो जो इनरोलमेंट के टाइम के ऊपर आपको तंग ना करे या आप अपने साथ लेके आए। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, तकरीबन सारी वीडियोस में मैं कह चुका हूँ कि वो सारे का सारा अपना जो खर्चा है ना वो पाकिस्तान से ही लगाते हैं और अपने साथ कोई पैसे भी नहीं लेके आते। यानी उन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एयरपोर्ट से निकलूंगा तो निकलते साथ ही मैं जो है वो जॉब पे लग जाऊंगा और मैं अपनी फ़ी भी मैनेज कर लूंगा, अकोमोडेशन के भी लिविंग एक्सपेंस भी जो है वो सारे मैनेज कर लूंगा। तो ये 2020 21 22 तक तो पॉसिबल था, लेकिन अब क्योंकि 24 चल रहा है तो अब ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको तकरीबन 1-2 महीने लाजमी लगेंगे सेटल होते होते। उसकी रीज़न ये है, इस कंट्री के अंदर अब सेचुरेशन कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। अब आपको इस काबिल बनना पड़ेगा कि आप उस कंपटीशन के अंदर से निकल के अपनी जो है वो जॉब सिक्योर करें। उस कंपटीशन के लिए दो चीज़ें जो एज अ स्टूडेंट इंतहाई ज़रूरी हैं, सबसे पहली है गाड़ी, दूसरा है सिक्योरिटी का बैच। अगर ये दोनों चीज़ें होंगे तो आप बहुत सारी लोगों से जो है वो आगे निकल जाएंगे। अब वो आगे कैसे निकलेंगे, अगर आप अपने साथ पाकिस्तान से या इंडिया से पैसे लेके आएंगे इन दोनों चीज़ों के लिए। अगर आप नहीं लेके आएंगे, आप पहले ये पैसे कमाएंगे, तो अगर आप ये पैसे पहले पैसे कमाएंगे तो फिर आपका जो पहले 3-4 महीने हैं ना वो आपके शदीद तरीन ज़ाया हो जाएंगे और आप जो है वो किसी टेक अवे के ऊपर 4 पाउंड 5 पाउंड के ऊपर काम कर रहे होंगे। किसी दिन आपको वो जॉब मिलेगी और किसी दिन हो सकता है जॉब ना मिले। तो ये वीडियो किसी भी बंदे को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की टोटल फ़ीस कितनी है और यूनिवर्सिटी कितना रिलैक्स करती है फ़ीस के मामले में। इन मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश मैक्सिमम यही होती है कि तमाम स्टूडेंट्स का उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराऊँ जो फ़ीस के मामले में बहुत ही रिलैक्स हों। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह किसी स्टूडेंट के साथ आज तक ऐसा मसला नहीं हुआ कि उसको यूनिवर्सिटी ने फ़ी के मसले में जो है वो तंग किया हो या फ़ी के मामले में यूनिवर्सिटी ने निकाला हो या कोई भी ऐसा किया हो, क्योंकि मैं मोस्टली कोशिश ये करता हूँ कि स्टूडेंट की फ़ीस
मैक्सिमम जो है वो कम हो, जितना स्कॉलरशिप उसको लेके दे सकता हूँ स्कॉलरशिप भी हो, और ऐसी ही यूनिवर्सिटी में भेजें जो फी के मामले में तंग ना हो। क्योंकि जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट बैठे हुए हैं उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे ये पता है कि स्टूडेंट यहाँ पे कितनी स्ट्रगल करता है, कितनी मेहनत से जो है वो अपनी फीस मैनेज करता है, और ये सारी चीज़ें मैं क्योंकि इस फेज से गुजरा हूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों का आइडिया है। अगर आप भी यूके की किसी सस्ती तरीन यूनिवर्सिटी में जिसकी ओवरऑल फ़ी कम हो और जो आपको फ़ी के मामले में तंग ना करे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक है, आप उसके ऊपर CV भेज सकते हैं, मेरी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। एक चीज़ याद रखिएगा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो यूके के अंदर आते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको पाकिस्तान से ही हेल्प आउट नहीं करता, बल्कि यहाँ पहुँचने के बाद भी उनको जॉब में, अकोमोडेशन में और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करता हूँ। अब डिफरेंट मेरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ देखते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी गाँव से भी आए हैं और इंशाल्लाह उनको यहाँ पर जो है वो काफ़ी बेहतर सपोर्ट हमारी तरफ से मिली है। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।